Good morning, dear students. Yesterday we completed 15 sentences, mixed sentences of complex sentences, which were based on noun clause, adjective clause and adverb clause. हमने 15 sentences किए थे जिसमें हमने complex sentences बनाए थे और उसमें हमने noun clause, adjective clause और adverb clause का यूज किया था क्योंकि ये एक miscellaneous exercise थी. यह एक मिक्स एक्सरसाइज थी, यह एक विविध एक्सरसाइज थी जिसमें हमको सारे रूल्स का प्रयोग एक साथ करना था, अर्थात कहीं नाउन क्लॉज, कहीं एडजेक्टिव क्लॉज तो कहीं पर एडवर्ब क्लॉज का यूज होना था. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज एंड द बट द सेंटेंसेस आर डिफर, लेकिन सेंटेंसेस अलग हैं क्योंकि कल तक हमने 15 सेंटेंसेस तक का सोल्यूशन किया था और आज हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो सेंटेंस नंबर 16 से 30 तक है. सो आंसर नंबर 16. सीता इज माय फ्रेंड, सी इज वेरी इंटेलिजेंट. सीता मेरी मित्र है, वह बहुत बुद्धिमान है. यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होगा क्योंकि विशेषता सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट एक व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए हु, होम, हूज का यूज करेंगे. तो हमारा आंसर होगा सीता हु इज माय फ्रेंड इज वेरी ब्यूटीफुल. सीता हु इज माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी, सीता हु इज माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट. सेंटेंस नंबर 17. द डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, इट गार्ड्स आवर हाउस एट नाइट. कुत्ता एक बड़ा ही वफादार जानवर होता है, यह रात में हमारे घर की सुरक्षा करता है. यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होगा क्योंकि दूसरे वाक्य में पहले वाक्य सब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन है और सब्जेक्ट यहाँ पर एक जानवर है. जानवर के लिए विच या दैट का यूज करते हैं तो आंसर होगा द डॉग विच इज अ वेरी फेथफुल एनिमल कॉमा गार्ड्स आवर हाउस एट नाइट. द डॉग विच इज अ वेरी फेथफुल एनिमल कॉमा गार्ड्स आवर हाउस एट नाइट. सेंटेंस नंबर 18. She did not attend your birthday party. वो तुम्हारी birthday party में उपस्थित नहीं हुई. Ask her to tell the reason. उससे कहो कि वो कारण बताए. इस sentence में adverb clause का use करेंगे और हम इसमें कारण बताया गया है. कारण के लिए हम why का use करते हैं. तो हमारा answer होगा Ask her to tell the reason why she did not attend your birthday party. Ask her to tell the reason why she did not attend your birthday party. Sentence number 19. We have lost a great leader. The news is false. हमने एक महान नेता खो दिया है. समाचार गलत है. यह noun clause के द्वारा बनेगा और आंसर होगा The news that we have lost a great leader is false. The news that we have lost a great leader is false. समाचार कि हमने एक महान नेता खो दिया है गलत है. सेंटेंस नंबर 20. आई अराइव्ड होम, द फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस एट वंस. मैं घर पहुंचा, पिताजी तुरंत ऑफिस के लिए रवाना हो गए. यहां पर हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करेंगे और हमारा आंसर होगा एज सून एज आई अराइव्ड होम कॉमा द फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस. As soon as I arrived home, comma, the father left for the office. Sentence number 21. We should obey the rules. We shall become good citizens. हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हम अच्छे नागरिक बन जाएंगे. यहाँ पर कंडीशन है, एडवर्ब क्लॉज का यूज हुआ है और हमारा आंसर होगा If we obey the rules, comma, we shall become good citizens. If we obey the rules, comma, we shall become good citizens. यदि हम नियमों का पालन करते हैं तो हम अच्छे नागरिक बन जाएंगे. सेंटेंस नंबर नेक्स्ट. ही स्टडीड हार्ड, ही कुड नॉट क्लियर IIT एग्जाम्स. उसने बहुत मेहनत की, वह IIT परीक्षा को पास ना कर सका. यहाँ पर अपोजिट सेंस है, विरोधाभास का सेंस है. एडवर्ब क्लॉज का यूज होगा और हमारा आंसर होगा Although he studied hard, yet he could not clear IIT exam. Although he studied hard, yet he could not clear IIT exam. Sentence number next. He was beaten. He stole my purse. उसको पीटा गया, उसने मेरा पर्स चुराया था. अर्थात यहाँ पर कारण है. कारण के लिए हम adverb clause का यूज करेंगे और जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है because. तो आंसर होगा
ही वॉज बीटन बिकॉज ही स्टोल माई पर्स, उसको पीटा गया क्योंकि उसने मेरा पर्स चुराया. नेक्स्ट, माई फादर विल रिटर्न होम सून, यू शुड वेट टिल देन, मेरे पिताजी जल्दी ही घर लौटेंगे, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए. यहाँ पर टिल वर्ड का यूज है, एडवर्ब क्लॉज का हम यूज करेंगे और हमारा आंसर होगा यू शुड वेट फॉर माई फादर टिल ही रिटर्न्स. यू शुड वेट फॉर माई फादर टिल ही रिटर्न्स. यू शुड वेट फॉर माई फादर टिल ही रिटर्न्स. सेंटेंस नंबर 25, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ही फॉलोड ऑल द रिलीजन्स, अकबर एक महान राजा था, वह सभी धर्मों का पालन करता था. यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे क्योंकि दूसरे वाक्य में पहले वाक्य की सब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन किया गया है और सब्जेक्ट एक व्यक्ति है. सो अवर आंसर विल बी अकबर हु वॉज अ ग्रेट किंग फॉलोड ऑल द रिलीजन्स. अकबर हु वॉज अ ग्रेट किंग फॉलोड ऑल द रिलीजन्स. सेंटेंस नंबर 26, कमला वॉज रीडिंग हर बुक सी स्लेप्ट, कमला अपनी पुस्तकों को पढ़ रही थी, वह सो गई. यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज का यूज करेंगे और हमारा आंसर होगा व्हाइल कमला वॉज रीडिंग हर बुक्स कॉमा सी स्लेप्ट. व्हाइल कमला वॉज रीडिंग हर बुक्स कॉमा सी स्लेप्ट, जबकि कमला अपनी पुस्तकें पढ़ रही थी वह सो गई, अर्थात पुस्तकें पढ़ते पढ़ते वह सो गई. सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, वी सॉ द गंगा रिवर इट इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया, हमने गंगा नदी को देखा, यह भारत की एक पवित्र नदी है. यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन है, ऑब्जेक्ट एक वस्तु है और वस्तु का मतलब विच का हम या दैट का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे. तो हमारा आंसर होगा वी सॉ द गंगा रिवर विच इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया. वी सॉ द गंगा रिवर विच इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, कमला इज स्टडिंग हार्ड सी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, कमला मेहनत कठिन पढ़ाई कर रही है, वह एक इंजीनियर बनना चाहती है. ये आपका पर्पस है, एडवर्ब क्लॉज है, सो दैट से वाक्य को जोड़ेंगे और हमारा आंसर होगा कमला इज स्टडिंग हार्ड सो दैट सी मे बिकम एन इंजीनियर. कमला इज स्टडिंग हार्ड सो दैट सी मे बिकम एन इंजीनियर. सेंटेंस नंबर 29, यू आर वाइज राम इज रवि इज इक्वली वाइज, तुम बुद्धिमान हो रवि भी समान रूप से बुद्धिमान है. यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज का यूज करेंगे, तुलना हुई है, इसलिए हमारा आंसर होगा यू आर एज वाइज एज रवि. यू आर एज वाइज एज रवि. और सेंटेंस नंबर लास्ट 30, ही हर्ड द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट, उसने दुर्घटना की खबर सुनी. ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गया. द हॉस्पिटल वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज हाउस, हॉस्पिटल उसके घर से दूर नहीं था. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर होगा As soon as he heard the news of accident, he went to the hospital which was not far from his house. As soon as he heard the news of accident, he went to the hospital which was not far from his house. As soon as he heard the news of accident, he went to the hospital which was not far from his house. Dear student, this is all the completion of adverb clause ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पूरी तरह से हमारा सलूशन हो चुका है. हमने अलग अलग भी पढ़ा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को, और पिछले दो दिनों में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को मिलाकर भी अध्ययन कर लिया. एंड नाउ आई थिंक वी हैव गुड कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट. अब इस विषय पर हमारा अच्छा कमांड होना चाहिए. प्लीज note down these sentences in your copy and also write down the solution of the sentences. Have a nice day. Bye bye.